बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस जहाँ पे मैं हमेशा से जाना चाह रही थी, एक सपना जैसा था, और उस घर से सिर्फ 15 अलग अलग लोगों के बीच रह के 3 महीना बिता के जब अभी मैं फाइनली BIPL हो रहा है, हमारी भोजपुरी टीम के इस अच्छी तरह से खेले जाने वाले इस क्रिकेट मैच में मैं आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऑब्वियसली आप सभी को पता है मैं विक्रांत को ही सपोर्ट करूंगी डेफिनेटली। अब तो मतलब जग जाहिर है, तो अच्छा लगा। पहला इनिंग्स ख़त्म हो गया है, आई विश हम लोग ही जीते, ये लोग बहुत अच्छा बॉलिंग करे, और दिनेश जी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है वो हार जाएंगे, ये तो बुरा लगेगा, बट क्या करें, गेम इज़ गेम, किसी ना किसी को हारना ही है, तो देखते हैं क्या होता है। 3 महीने का वक्त बीता रहा बिग बॉस के घर में, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, जैसा बाहर से दिखता है वैसा बिल्कुल अंदर से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ बाहर। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब बिग बॉस घर में बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी गई, फिर लग रहा था कि मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगी, लेकिन वो भी मैं 14 हफ्ता बिता के आई हूँ, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिग बॉस ने मेरी शादी करा दी। क्या लगता है कौन जीतेगा फिनाले? अभी बस अभी 3-4 दिन ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं किसी को भी बोल पाऊँगी, ऑडियंस भी डिसाइड करने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही होगी, बट मेरे 2 दोस्त वहाँ अंदर है, मुझे डेफिनेटली मैं उन लोगों को पहला चाहूँगी कि वो दोनों में से कोई एक हो जाए। जिस तरह से ओम सोनी ने घर में धमाल मचाया था बाहर भी आने के बाद, उन्होंने कहा था सलमान खान को मैंने झापड़ मारा था, क्या सच है? ओम स्वामी के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती, आई थिंक इंडिया में कोई भी उसके बारे में कुछ भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है वो कितने बड़े पागल है, और घर में तो हाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर ही दिया था, और इतनी औकात तो मतलब उस आदमी में नहीं है कि वो सलमान सर को थप्पड़ मारे। क्या लगता है मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों में काम करते रहेंगे या सीधा स्टारडम का चेंज हो गया हिंदी फिल्म? एक्चुअली सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे खुलासा हो, वही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो